हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस बेस्ट इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको 0.5 एचपी बजाज मोटर वाइंडिंग करके बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हमने रनिंग की फर्स्ट कॉइल डाल रहे हैं, इसी कॉइल पिच 1-6 रहेगी। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कॉइल बना के रखे हुए थे, इसलिए डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक साइड का हमारा पेपर लग चुका, अब दूसरी साइड कॉइल बैठा लेते हैं, इसके बाद पेपर लगाते हैं। तो दोस्तों, 26 नंबर वायर है और इसकी कॉइल टर्न फर्स्ट में 80 और सेकंड में 82, थर्ड में 85 और चौथी कॉइल में है 87, 26 नंबर से। तो देखिए दोस्तों, हमारी फर्स्ट कॉइल भर के रेडी हो चुकी है, इसको स्लॉट पेपर लगा लिए हैं। तो हम दूसरी कॉइल वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। इस पर हम एक नंबर स्लीपिंग लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक नंबर स्लीपिंग लगा लिए हैं। दोस्तों, एक नंबर स्लीपिंग डालने से कनेक्शन करने में आसानी होता है। तो दोस्तों, हमने एक नंबर स्लीपिंग डाल लिए हैं और अब इसकी सेकंड कॉइल डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसकी कॉइल पिच रहेगी 1-8। चलिए दोस्तों, कॉइल को डाल रहे हैं। एक साइड हमने कॉइल को डाल रहे हैं और इसकी स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। तब तक दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारी एक तरफ की कॉइल भर चुकी है, अब दूसरी तरफ हल्का हल्का धीरे धीरे से 2-4 तार करके आराम आराम से डालते हैं, क्योंकि दोस्तों एक साइड का तो बहुत आराम से पड़ जाता है, दूसरी साइड में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी कॉइल पड़ चुकी है, अब इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों, इस पे हम स्लॉट पेपर लगा दिए। दोस्तों, इसको हाथों से सही कर लेना है। दोस्तों, हमारी दो कॉइल भर चुकी है, अब हम तीसरी कॉइल भरते हैं और इसकी कॉइल पिच रहेगी 1-10। तो दोस्तों, इसकी कॉइल पिच 1-10 रहेगी। दोस्तों, हमने एक में डाल लिया हूँ कॉइल और इसकी कॉइल पिच 1-10, अभी 10 वाले में पड़ेगी। दोस्तों, एक तरफ तो बहुत आसानी से कॉइल पड़ जाती है, दूसरी तरफ में टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों हल्का पतला कर करके डालिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी तरफ की कॉइल भी पड़ चुकी है, अब इस पर स्लॉट पेपर लगा लेते हैं और ये हमारी चौथी कॉइल बची हुई है, आखिरी कॉइल, इसको डाल देते हैं। देखिए दोस्तों,
और स्लॉट पेपर लग चुका है और इसको हाथों के सहारे से सही सही कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी तीन क्वाइल भर चुकी है, अब चौथी क्वाइल डाल रहे हैं। दोस्तों इसकी क्वाइल पिच रहेगी 1 से 12। दोस्तों ये 26 नंबर वायर है रनिंग। देखिए दोस्तों, हमारी एक तरफ की क्वाइल पड़ चुकी है, इसके स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों हमारी क्वाइल भर चुकी है। दोस्तों हमारी रनिंग की एक क्वाइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें स्लॉट पेपर लगा लेते हैं, इसके बाद दूसरी क्वाइल रिवाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी स्लॉट पेपर लग चुका है, इसको हाथ से सही कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी क्वाइल भर के रेडी हो चुकी है। और दोस्तों अब हम इसकी दूसरी क्वाइल रिवाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसकी दूसरी क्वाइल रिवाइंड कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से आप फर्स्ट क्वाइल को बैठाएं उसी तरह से इसका कनेक्शन भी रहेगा और इसका क्वाइल पिच भी उसी तरह रहेगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैंने वीडियो का स्पीड तेज कर दिया हूँ। क्योंकि जब वीडियो की स्पीड तेज नहीं करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए हमने वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज कर दिया है। और देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपको दूसरी क्वाइल भी बैठा लेनी है। 1 से 6 में हमारी क्वाइल पड़ चुकी है। देखिए दोस्तों, स्लॉट पेपर लग गया। चलिए दोस्तों, इस पे एक नंबर स्लिपिंग डाल लेते हैं, क्योंकि एक नंबर स्लिपिंग रहता है तो कनेक्शन करने में आसानी होती है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वाइल जो है ये, और ये फर्स्ट वाली क्वाइल, ये दोनों कनेक्शन का निकल जाएगा, रनिंग का कनेक्शन और स्टार्टिंग की भी इसी तरह से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी क्वाइल भी पड़ रही है, इसकी क्वाइल पिच 1 से 8 रहेगा। तो दोस्तों ये 26 नंबर वायर है, तो रनिंग 26 नंबर वायर। तो चलिए दोस्तों, हमारी दूसरी क्वाइल भी पड़ चुकी है, इसको स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज किया हूँ, और दोस्तों वीडियो का स्पीड तेज नहीं करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज कर दिया हूँ। दोस्तों तो हमारी थर्ड क्वाइल पड़ती है 1 से 10 में। तो देखिए दोस्तों, हमारी 1 से 10 में क्वाइल पड़ चुकी है, अब इसकी हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ मैंने स्लॉट पेपर लगा लिया और दूसरी तरफ से बाइंड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इधर भी स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों हाथ के सहारे से इसको सही करना है कॉइल को। चलिए दोस्तों, हमारी आखिरी कॉइल बची हुई है, चौथी। दोस्तों इसको भी डाल रहे हैं 1 से 12 में। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी रनिंग की दोनों कॉइल भर के कम्प्लीट हो चुकी है। और दोस्तों अब हम इसकी स्टार्टिंग क्वाइल रिवाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी क्वाइल भर चुकी है, अब इस पर स्लॉट पेपर लगा के इसको हाथों के सहारे से सही कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या फिनिशिंग है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी स्टार्टिंग क्वाइल बनाने जा रहे हैं। दोस्तों तो स्टार्टिंग क्वाइल ऑलरेडी बना रखी है, अब इसकी हम बाइंड करेंगे। तो दोस्तों इसका क्वाइल पिच रहेगा 1 से 10। दोस्तों ये 28 नंबर वायर है, इसमें 140 टन और 145। तो चलिए दोस्तों, हम क्वाइल को रिवाइंड करते हैं। दोस्तों इसको हाथों के सहारे से इसे पतले कर लेना है, इसके बाद में डालना है क्वाइल को, ताकि भरने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों,
एक से दस में हमारी कॉल पड़ रही है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट में हमारी कॉल पड़ चुकी है। अब इस पर हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने स्लॉट पेपर लगा रहे हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसकी दूसरी साइड का कॉल भी डाल लेते हैं। ये दोस्तों इसका तागा काट लेते हैं और इसको हल्का पतला कर करके डालेंगे ताकि डालने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, इसको इसी तरह से पतला करके राम राम के साथ डालना है। अगर आप एक बार सारी कॉल डालोगे तो नहीं पड़ेगी, इसलिए हाथों के सहारे से हल्का पतला कर करके दो चार तार आराम आराम से डालिए ताकि कॉल जल्दी भर जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने हाथों के सहारे से ही भर रहे हैं, कोई फंकी या कोई पेचकस का सहारा नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि पेचकस का सहारा लेते तो इस पे स्क्रेप आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारी कॉल भर चुकी है। अब इसपे हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों हमने इसकी स्लॉट पेपर लगा लिया। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए दोस्तों, हमारी फर्स्ट कॉल पड़ चुकी है। अब इसकी स्लॉट पेपर लगा लेते हैं और इसकी सेकंड कॉल 1 से 12 में पड़ेगी। दोस्तों ये 26 नंबर वायर 140 टन और 145 टन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, इस पे हम एक नंबर स्लीपिंग डाल लेते हैं। तो दोस्तों एक नंबर स्लीपिंग इसमें डाल लेते हैं। स्लीपिंग रहता है तो कनेक्शन में आसानी रहता है। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाली है हमारी कनेक्शन का निकल जाएगा। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग की दूसरी कॉल डालते हैं। इसकी कॉल पिच रहेगी 1 से 12। तो देखिए दोस्तों, हमने इसकी दूसरी कॉल डाल रहे हैं, इसकी कॉल पिच 1 से 12 रहेगी। दोस्तों हमने इसकी कॉल एक तरफ डाल रहे हैं क्योंकि दोस्तों एक तरफ डालने में बहुत आसानी होता है और दूसरी तरफ थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पेचकस का सहारा लेना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पेचकस से भी हल्का हल्का करके भर दीजिएगा। दोस्तों हम इस पे स्लॉट पेपर लगा लेते हैं और इसकी उस साइड का भी वायर भर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक तरफ का कॉइल भर के इसमें स्लॉट पेपर लगा दिया और दूसरी तरफ की कॉइल भी भर लेते हैं। फिर दोस्तों इसका तागा काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी दूसरी तरफ का कॉइल भी राम राम के साथ भर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको इसी तरह से हल्का हल्का पतला करके डालना है क्योंकि दोस्तों इस तरह से डालोगे तो कॉल आसानी से बैठ जाएगा और आपको पेपर लगाने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, हमने इसी तरह से आराम आराम के साथ दो चार तार कर करके डाल रहे हैं।
ठीक से दोस्तों। अच्छा दोस्तों हमारी कॉल पड़ चुकी है, अब हम इस पर स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों हमारी रनिंग की एक कॉल कंप्लीट हो चुकी, अब हम रनिंग की दूसरी कॉल वाइंड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसको हाथ के सहारे से सही कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारी स्टार्टिंग की एक क्वाल भर के कंप्लीट हो चुकी, अब हम इसकी दूसरी क्वाल भी रिवाइंड करेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों हमारी फर्स्ट क्वाल भर के कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी सेकेंड क्वाल भी रिवाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी फर्स्ट कॉल भर चुकी है, अब हम इसकी दूसरी कॉल भरेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी उसी तरह डालना है। वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज कर लिया हूँ क्योंकि दोस्तों आपको एक कॉल में समझा दिया हूँ उसी तरह से भरना है। दोस्तों इसकी भी कॉल पिच रहेगी 1 से 10 और 1 से 12। देखिए दोस्तों हमारी फर्स्ट कॉल भर चुकी और इसमें हम स्लॉट पेपर लगा दिया। दोस्तों देखिए इसी तरह से दूसरी कॉल भी भर लेना है, उसकी कॉल पिच 1 से 12 रहेगी। देखिए दोस्तों ये कॉल भी भर चुकी है, अब इस पर हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं और इसी तरह से उस बगल की भी कॉल भर लेंगे और उधर भी स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी कॉल भर के कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारी कॉल बनके कंप्लीट हो चुकी है, देखिए क्या फिनिशिंग है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों बजाज 0.5 HP मोटर है। तो दोस्तों इसकी बाइंडिंग डाटा हमने तो बता दिया है, उसी तरह से आप भी रिवाइंड कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। देखिए दोस्तों क्या फिनिशिंग के साथ हमारी कॉल बनके कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।